बताओ वजीर आजम मोदी, ये जो 40,000 गजा में मर गए, आप नहीं बोलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू इस जालिम कुत्ते को? और क्यों हथियार दे रहा भारत इसराइल को? कहां गया अमेरिका तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? कहां गया मगरबी दुनिया तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? अरे ये लोग मौत से डरने वाले नहीं हैं, ये मौत को अपनी महबूबा समझते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि फलस्तीन अरबों के लिए है, मगर आज हमारे हुकूमत की पॉलिसी क्या है आप देख रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा कि फलस्तीन में 70% लोगों के घर बर्बाद कर दिए वो जालिम बेंजामिन नेतन्याहू? अल्लाह उसको गारत करे, अल्लाह उसको जहन्नम का कुत्ता बनाकर जहन्नम में डाले। 70% घर फलस्तीनियों के बर्बाद हो गए। 21 लाख की आबादी में 15 लाख लोगों के पास घर नहीं है। इतना मलबा वहां पर है, मलबा उठाने के लिए डेब्रिस है, 12 साल लगेंगे मलबा उठाने के लिए। उनके सामने समंदर है, गज़ा की आवाम के सामने समंदर है, उनके सामने उनके तमाम बर्बादी है। 40,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 15,000 मासूम बच्चे हैं। 10,000 लोग अभी भी मलबे के नीचे हैं। मगर क्या तुमने और हमने अपनी आंखों से अपने कानों से सुना कि फलस्तीनी कह रहे हैं क्यों हुआ ये? क्या वो अपने कायदीन को गाली दे रहे हैं? क्या अपने बड़ों को गाली दे रहे हैं? टेंटों में रह रहे हैं, टेंटों में तुम्हारा सिवा रेडी पेट में अपने घर को जाकर आराम से सो जाओगे। आज बारिश की बूंदाबाजी हो रही है, बताओ सर्दियां निकल गई, एक साल हो गया, पूरी कड़ाके की सर्दी गर्मी, अब फिर सर्दी आ रही है। कभी आपने सुना उनकी जबानों से कपड़ों के टेंटों में है? बिलाल आया तो नाते शरीफ पढ़ रहे हैं। मेरे भाई इसको कहते हैं मर्दानगी, इसको कहते हैं तवक्कल। मैं सलाम करता हूं उन फलस्तीनी माओं को, उन फलस्तीनी बुजुर्गों को, उन उलमाओं को जिन्होंने ऐसे बहादुर मुजाहिदीन को पैदा किया कि दुनिया उनके लिए तंग कर दी गई, मगर कोई समंदर में कूद कर भागने के लिए तैयार नहीं है। वो फलस्तीनी कह रहा है कि मैं यहीं पर रहूंगा क्योंकि मुझे मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस को हासिल करना है। 40,000 एक साल में मर गए। अगर शिवारड्डी पेट या कहीं पर पुलिस अगर 3-4 बच्चों को उठाकर लेकर चले जाती तो आप और हम परेशान हो जाते हैं, फितरी चीज है। मगर अपने दिलों पर जोर डाल के सोचो मेरे अजीजों, 40,000 फलस्तीनी शहीद हो गए, 40,000, 15,000 मासूम बच्चे हैं, 50,000 जख्मी हैं, मगर कभी उनके चेहरों पर पेशानी, उनके चेहरों पर, उनकी पेशानी पर तकलीफ या परेशानी के आसार रोनुमा नहीं होते। हमने और आपने देखा कि बाप अपने बच्चे को गोद में उठाकर कह रहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शीरखार बच्चे को दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दे दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बीवी कह रही है कि मैं अपनी जवानी में बेवा हो गई, मेरा शौहर इस्लाम के लिए शहादत पा लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मां कह रही है कि रसूल अल्लाह मेरा बेटा आ रहा है आपके पास। मेरे भाई इन फलस्तीनियों को याद रखो, ये वो लोग हैं जो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिसके ताल्लुक से हदीस शरीफ में आया कि जब कयामत होगी तो हशर का मैदान यहीं पर होगा, हशर का मैदान यहीं पर होगा, यहीं पर हिसाब किताब मीजान लगाया जाएगा। और जो दुनिया के बड़े बड़े लोग जिनके जमीनों में अल्लाह ने दौलत दी, आज वो गूंगे बनकर बैठे हैं, अरे जालिमो तुमको और हम सबको अपने अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। जब ये 40,000 लोग जब खड़े होंगे अल्लाह के दरबार में और जब कहेंगे परवरदिगार
हमारे अतराफ में तूने जमीन में सोना और तेल दिया, मगर हमने तेरे दीन की अजमत के लिए सरजमीन को अपने खून से लाल किया। बताओ बेशर्मो, तुम क्या जवाब दोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खैर अल्लाह उनको दुनिया में भी, अल्लाह उनको बुलंदियां अता करेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह उनको बुलंदियों से नवाजेगा। जो लोग आज इनकी तकालीफ को देखकर खामोश बैठे हैं, अरे तुम में इंसानियत मर चुकी है। यूक्रेन, रशिया यूक्रेन पे हमला करता है तो सारी दुनिया को हमला याद आता है। अरे 75 साल हो गए, लाखों फलस्तीनियों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया और ये जालिम लोग फलस्तीनियों को उनके हक से महरूम कर रहे हैं। अगर तुम 3000 घर को तोड़ दोगे बुलडोजर लगाकर नेतन्याहू, तो तुम क्या समझ रहे हो कि हम खत्म हो जाएंगे? नहीं नेतन्याहू, तुम खत्म हो जाओगे। लेबनान में बमबारी हो रही है, पूरा साउथ बीरूत, जुनूबी बीरूत, जुनूबी लेबनान पर हजारों बिल्डिंगों को जमीन दोज कर दिया ये जालिम बिन्यामिन नेतन्याहू, और दुनिया कुछ नहीं कहती है। कहां गया अमेरिका तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? कहां गया मगरबी दुनिया तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? और हम हमारे वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, आज लेबनान में यूनाइटेड नेशन की फौज पर इसराइल ने हमला किया, यूनाइटेड नेशन की फौज के लोग जख्मी हुए, तो बताओ वजीर आजम मोदी, ये जो 40,000 गजा में मर गए, आप नहीं बोलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू इस जालिम कुत्ते को? लेबनान में कत्ल गारत गिरी हो रही है, आप नहीं बोलेंगे? और क्यों हथियार दे रहा भारत इसराइल को? स्पेन ने कश्ती को रोक दिया था आज से 3 महीने पहले, क्योंकि भारत से हथियार जा रहा था उस जालिम बेंजामिन नेतन्याहू के पास। ये गैर अखलाकी बात है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजेस ने एक फैसला दिया कि नस्ल कशी हो रही है फलस्तीनियों की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम दुआ जरूर करेंगे, मगर मत भूलो इन फलस्तीनियों को। ये फलस्तीनी सिर्फ यही चाहते हैं कि दुनिया में जहां कहीं भी हम आबाद हैं, ये फलस्तीन सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है, ये इंसाफ का मसला है। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने कहा था कि फलस्तीन अरबों के लिए है, मगर आज हमारे हुकूमत की पॉलिसी क्या है आप देख रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला फलस्तीनी कामयाब होंगे वहां पर, और लेबनान के वो मुजाहिदीन कामयाब होंगे। अरे ये लोग मौत से डरने वाले नहीं हैं, ये मौत को अपनी महबूबा समझते हैं, ये मौत को गले लगा लेते हैं, और ये मरने वाले लोग हैं, ये समझते हैं कि हम मस्जिद अक्सा के लिए, अल खुदसुल शरीफ के लिए हम अपनी जानों के नजराने को पेश करते रहेंगे। इनकी माओ ने उनको एक कहकर पैदा किया और पाला और पोसा कि मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी तक मेरे बेटे तुझे लड़ना। इन फलस्तीनियों को हरगिज ना भूलें, इनके लिए कसरत से दुआ करें, और अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह इस जमीन आसमान का खालिक है, याद रखो अल्लाह ही आसमानों से बारिश पैदा करने वाला है, अल्लाह ही दुनिया का निजाम चलाने वाला है, अल्लाह ही नहीं सूरज को बनाया, अल्लाह ही नहीं चांद को बनाया, अल्लाह ही नहीं हमको रिस्क पहुंचाया, अल्लाह ही ने हमको पैदा किया खून के दुतड़े से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन मजलूमों की मदद करेगा, और मुझे यकीन है कि हम और आप अपनी जिंदगी में इन फलस्तीनियों की कामयाबी को देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम और आप वो दिन देखेंगे जब मस्जिद अक्सा आजाद होगा इन जालिमों के, इनके शिकंजे से। इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस आपसे गुजारिश ये है कि वा तस्सीमु बिहब्लिल्लाह, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो, मुतफरिक मत हो जाओ, इत्तेहाद को मजबूत करो। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत रखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब